ली थी, अच्छा फिर ये उठ के चले गए एक जाट में। बिरादरी की जाट जाट टाइम मीटिंग थी 36 बिरादरी की। मेरा जूता है हाँ, मेरा सर पर मारेंगे। सभी दर्शकों को नमस्कार। इसमें मौजूद हैं गांव देवरड़ में, जिसे दौड़ भी कहा जाता है, और पंचायत चुनाव को लेकर यहां पर मीटिंगों का दौर लगातार पिछले 3 दिन से जारी है। कभी किसी पक्ष की तरफ पलड़ा चलता है तो कभी किसी तरफ। कल 2 नाम फाइनल किए गए हैं, उसके बाद ग्रामीणों में कुछ रोष है। वो कह रहे हैं कि हमें ये प्रत्याशी मंजूर नहीं है, जानाएंगे उनको कैसा प्रत्याशी चाहिए, किसानी। और कुछ भाई यहाँ युवा साथी इकट्ठा हो रहे हैं। भाई साहब नमस्कार। नमस्कार भाई। भाई साहब सरपंच चुनाव होना है और मीटिंग का दौर जारी है लगातार। 10 दिन हो गए थे भाई साहब। 10 दिन हो गए। हाँ, गांव के नो डोगडोगी बन रही थी। अच्छा। कल कलीराम की बैठक में गढ़िया गांव में कट्ठे हुए हैं। अच्छा। वहाँ सोनों का नाम डिक्लेयर होया। अच्छा। हाँ, तो यह सर्व समिति एक पमणी है के ना? एक पंडित जी है बिंदर। अच्छा। हाँ, किरदार आएगा। तो बात की जाए सर्व समिति, सर्व समिति नहीं हुई? नहीं हुई। तो गांव में कई भी आदमी चुनाव लड़ सके? कोई भी भरो फार्म से जाटा ने अपना उठा दिया। अच्छा। हाँ, और बाकी कोई उठाओ, एक पंडित जी उठ रहा है। तो मतलब जाटों की तरफ से एक वो प्रत्याशी हो गया, पूरे गांव की सहमति है। सहमति है पूरे गांव में, तो वही रहेगा बस। और कोई कमेटी के अंदर 12 आदमी थे जी, 12 आदमी ने उसके सिर को ऊपर हाथ टेक किया है, उसका नाम लिया है। हाँ, तो जब प्रत्याशी सोनू आजाद का ये ऐसे ऐसी बात सुनो, मेरी बात बताओ भाई। देखो गांव में लगातार मीटिंग भी चली है भाई, तो पूरी जानकारी लेवांगे। द्वार उतारे अपना किसा, क्या कारण है, क्या करने इसका? ये तो देखो, या तो मैं भी नहीं कह सकता जी जी। ठीक सर, जो पहले कैंडिडेट हो रहे थे केवल सरपंच था, पहले भी बन रहा दो बार, पहले बन रहा दो बार। हाँ, हाँ। एक नया बबला नंबरदार उठ रहा था। अच्छा। हाँ, वो भी कैंसिल कर दिया। एक जगदीश फौजी है जो अपने स्कूल से आगे डिग्गी के सामने दुकान है जी जी, एक उसका लड़का था, उनकी सारे की सहमति यह होगी भाई हमने छोड़ देकर किसी को ऊपर हाथ टेक दो। अच्छा, किसी पर हाथ टेक दो वही मंजूर है? वही मंजूर। तो मतलब कहने से एक ही प्रत्याशी रहेगा? एक रहेगा। अगर और कोई दूसरा उम्मीदवार मैदान में आ जाता फिर क्या रहेगा? वो तो उनकी मर्जी है, विवाद हो या तो करवा कोई भी लड़ सके, कोई लड़ सके, वो तो फिर गलत हो ही ना। अच्छा, गलत हो। गाँव की सहमति जब भाईचारा इकट्ठा होगा, जब एक ठा दिया। अच्छा अच्छा, गांव के मतलब सारे ठोड़े इकट्ठे हुए थे? सारे ठोड़े भाई, देख को सारे ठोड़े का मत, एक आदमी दे रखा था कमेटी के अंदर, 12 आदमी थे, 12 आदमी ने उसका नाम लिया है जी, किसी एक आदमी ने नाम लिया। क्या नाम आपका? सत्यवान भाई। सत्यवान था ये बता रहा है, गांव की कमेटी ने निर्णय लिया है। भाई साहब, जो गांव की कमेटी ने निर्णय लिया बताया है भाई साहब ने, क्या उस निर्णय से सहमत है आप? हम तो पल्ला भी सहमत है, सहमत हो मतलब? हाँ, तो सारे सहमत है। उन्हें प्रत्याशी मरा होगे कि उन नया प्रत्याशी बिठाओगे? ई बा मने पर लाए गया, छोरी उठ रही थी। अच्छा। मारा काम में। अच्छा। 1.5 साल हो लिया इस चांद दिन। अच्छा। फिर हमने सोचा हमारे मैं इसका हो जाए, नए नए बंदे ठावेंगे तो। अच्छा। फिर हाँ। उस छोरी ठावोगे तो? हम छोरी ठावेंगे, फार्म भरवाएंगे उसकी। उसका फार्म भरवाओगे? हाँ। क्या नाम भाई साहब? विक्रम। कौन से पाने में है? हम बैकबोर्ड में है। बैकबोर्ड में था भाई, भाइयों भाई ने कहा छोरी उठावांगे। और भी काफी लोग यहाँ पर बैठे हैं, बात करांगे हर किसी से। एक भाई है, दुकानदार भाई है। भाई साहब नमस्कार। नमस्कार भाई साहब। जो इलेक्शन का दौर जारी है, लगातार मीटिंग चलने लग रही है गाँव में, भाई फलाना में उठावांगे, धकड़ा में उठावांगे, आज उस पर दर्द दिया, कल उस पर दर्द दिया, पलाड़ा नून तन उनको दे है। तो की भी उतला गई? देखो हमारे बुजुर्ग बूढ़े हैं जो वही फैसला करते हैं, उसे फैसला चलोगे? उसे फैसला। तो ये कुछ भाई नो का हम उसने उठावाएंगे? देखो ये तो गांव राम है, जो भी उठ ले उसकी। तो आप मतलब गांव के साथ हो? हाँ जी। क्या नाम भाई साहब? हरिमल भाई। देख सो भाई, बहुत सारे जो गांव वालों के साथ हैं। भाई साहब नमस्कार। नमस्कार भाई। क्या माहौल है इलेक्शन का आपके पास? इलेक्शन का हमने तो बेरा ही नहीं। बोली रल रही है। बोली रल गई? हाँ हाँ। तो फिर के करो, बोली नारी काट हो गया अपनी? देखो तो भाई परमात्मा कट दे रहा है अपना ना। हमने तो सारे उम्मीदवार हैं अपनी, उम्मीदवार गांव के तो सारे गांव के। गांव ने दो उठा दिए, गांव तो चार बिठा दे भाई। नहीं, दो उठा दिए गांव ने, तो तीसरा भी लाओगे? के बेरा गांव ने ठाई का पूछ रहे हैं? हमने उस चीज का भी नहीं बेरा। आप गांव में नहीं रहते? खेत कहता दौड़ के हो? हाँ। तो मतलब आप की कोई भी उम्मीदवार आ जाओ कोई दिक्कत? कोई आओ कोई दिक्कत नहीं। नाम अभी? राजेश। भाई राजेश था, ये उनका गांव का हमने बेरा ही निकट के मीटिंग हुई। भाई साहब नमस्कार। भाई साहब, भाई माहौल तो बहुत तगड़ा चल रहा है इलेक्शन का। दो उम्मीदवार उठ रहे हैं, जाट एक ब्राह्मण उठ रहा है। अच्छा, तो तीसरा उम्मीदवार आने की संभावना है? संभावना है, कोई भी उठ सके, कोई भी अपना आंख उसका उठेगा। तो तीसरा ले आओगे कि दो या मसाद होगे? भाई तीसरा व्यास के आज के तीसरा कोई दिक्कत नहीं। आज के तीसरा भाई भगवान आ जाओ, कोई भी आज के, कोई भी आज के तीसरा आदमी, कोई कोई भी अपने काम का बंदा, कोई भी आज के उसका अंदा कोई उसके हिसाब जो थारे ध्यान में होवे वो सरपंची का लायक है, उन्हें सरपंची में ठा दो, छोरी ठा दो, इसके गेल ले आओ। हां गेल ले सारे इसका।
ये इसी नठाओ तो इसे मिस का गेला मतलब हां गेला इसके भाई देख ले भाई कुछ युवा साथी हैं उनका भाई लड़की के साथ हैं गांव की लड़की मैदान में आती है तो हम उसके भाई साहब नमस्कार नमस्कार ये कुछ साल है इलेक्शन का भी होता है पर इलेक्शन का तो बेरा नहीं मार तो या छोरी 100-150 साल हो गया अच्छा हम तो भाई छोरी की चाव थे वोट दे चाव छोरी की थे गांव वाले दोया पा दर दिया एक दोया पा दर दिया तो भाई के कह सका है विवाह हमने तो या छोरी पा दरिया था और भाई भी गेरेंगे हमारा पन्ना यो है तो जताने की पूरी संभावना है हमारी तो कोशिश है सारे भाइयों ने रिक्वेस्ट करेंगे गांव ने दोया का फैसला कर दिया तो गांव से अलग जाओगे आप गाम तो अलग या छोरी ठहरा की ठाई थी गाम ने क्या अलग क्यों काटी अच्छा मतलब कहना मतलब ये होगा गाम इसने न्यारे कर सके तो हम भी न्यारे उसका है कोई सा भी ना हो जो भी नेपाल आई वो 100 लग गई या 1.5 साल हो गया छोरी नाड़ी दी नहीं इसका कोई मैच नहीं है सही बात भाई के नाम भाई लालचंद नाम भाई भाई लालचंद नाम था देख युवा बाइक सवार भाई इन तई बात करें किसा के उम्मीदवार चाहे हैं इलेक्शन में कल भाई साहब नमस्कार नमस्कार भाई साहब किसा के उम्मीदवार चाहो इलेक्शन में कल सही बताइए भाई हम तो बेर की वोट गिर दें ठुआ दें दानक समाज तो भाई दानक समाज तो इसकी पुष्पा ही गिरोगे हम तो कदे तक वहां पूछ लो भाई तो ये गांव वाला ने फैसला करया जो करो दो कैंडिडेट अब है कुछ तो सहमत हो आप बिल्कुल भाई साहब उनसे सहमत हो हम तो जो कर बेबे को होगी नु कर दे भाई तो ये इलेक्शन में उठ जाए तो गांव वाले के लिए कौन जाओ इसी के लिए लागोगे बेबे के लिए वोट बेबे ही गिर दे भाई इसे गिरोगे हां क्या नाम है भाई सोमवीर भाई भाई साहब के कुछ बेचोतला इलेक्शन का कर ठीक है भाई है ठीक है इसका के पहली बैठी करोगे कल है ये दो तीन उठ रहे हैं ये चोरी 1.5 साल हो गया था दी ने तो फिर भी बैठा दी ना क्यों बैठा दी इसका कौन बन बैठा रखी है तो फिर हम क्या करोगे हम तो गेला हां भरवाओ फार्म इसका गेला है भरवाओगे फार्म गेला जाकर फार्म भरवाओगे और क्यों नहीं के नाम भाई दनपत भाई दनपत तनु का गेला जाकर फार्म भरवाओगे भाई साहब की कुछ हिसाब किताब लग गया इलेक्शन का कल ऊपर के चल है गोल मोल हो रहा है 3 दिन हो गए मीटिंग पर मीटिंग मीटिंग पर मीटिंग फिर भी पहली बात आप मीडिया वाले हो हां स्वतंत्र है इसमें कोई फार्म भर सकता है अच्छा अच्छा जैसे पूरे गांव इकट्ठा होया बताओ है तो गांव इकट्ठा पूरा गांव हर समाज का आदमी होना चाहिए उसमें अच्छा उनको गवाह दिवा दिया अच्छा अगर भाई गांव इकट्ठा होगा अच्छा मैंने आज बोला हमने के बड़े बड़े किया को कुछ झोली करे तो मतलब आपके समाज की तरफ से कोई नहीं बुलाया गया ना हम तो बुलाए नहीं कोई नहीं बुलाया कोई नहीं बुलाया भाई देख लो गांव देवड़ में जो मीटिंग हुई थी एक और मुद्दा ठहर गया है भाई का गांव की पूरे गांव की मीटिंग हुई थी यो भाई नु को वह है मारे तक कोई सूचना नहीं दी गई उसकी जो फैसला कराया गया जो फैसला कराया उससे सहमत हो कौन यहाँ पे हम सहमत नहीं हम सहमत कैसे हम थे भाई सहमत नहीं है गाँव वाले उस फैसले थे देख लो गाँव देवड़ की तस्वीरें हैं आप क्या कहो जी इस फैसले में जो फैसला करेगा गामाड़ा ने यू फैसला है ना जी यू है जाति पाती का फैसला है वैसा ले तो का कोई फैसला नहीं गांव का क्या फैसला हो जाएगा तो फिर के मानो इस फैसले तो आप क्या होगा जात पात को बढ़ावा मिलेगा गांव में हाँ एक बात बताओ मैं सोचा हम कहीं हाँ अच्छा हम बना लेंगे अच्छा अच्छा और ये और सोचे हम बना लेंगे अच्छा तो फिर यह कोई इलेक्शन ही हो कोई इलेक्शन नहीं हो यू कोई इलेक्शन नहीं हंगा का है जो गांव की पंचायत हुई थी वह कोई पंचायत नहीं थी युहंग का इलेक्शन है अच्छा फिर ये किसा प्रत्याशी सा हुआ प्रत्याशी सा होना चाहिए जो गांव का विकास करे तो फिर ऐसा कोई है इन मजे तो हमने को लगता नहीं भाई तो ये नया ठाओगे को हाँ नया ठाओ भाई ये सारे इकट्ठे होके ठाओगे जब उठेगा तो लग भी ऐसा को आ जाएगा ऐसा प्रत्याशी होगा ये छोरी ने 1.5 साल हो गया कौन सी छोरी ने के नाम है छोरी का बोलड़ का आराम दो बोलड़ है फिर बोलड़ ने लाओगे मुकाबले में हाँ वो यह आओगी भी और कौन आओगे यह जिताओगे और कोशिश पूरी है भाई ये नाम अपना बल्ला कुछ भाई खड़े भाई साहब ये बहुत लग है इलेक्शन बहुत बढ़िया लग है किसका लग है छोरी का अनर जितावांगे ये नाम है छोरी का बकरम ये बुल्लड़ है बुल्लड़ देता होगे हां ये नाम भाई मेरा नाम बकरम गांव की कुछ महिलाएं देख लो करवा चौथ का त्यौहार है मटके बेचते हैं गांव में करवे बेचते हैं इनसे पूछेंगे इनकी के राय चुनाव को लेकर के राय जी आप किसकी वोट दोगे गांव में कल हम छोरी ठना चाहूं छोरी ने हाँ क्या तो वो दो उम्मीदवार नहीं दो इसे की दोगे हाँ अच्छी है अच्छी है जी के नाम आपका मेरा संतोष जी भाई संतोष थी एक और महिला जो मटके बेचने लगी राम राम जी राम राम किसने जिताओगे जिताओगे बुलड़ ने की खास बात है बुलड़ में गांव की छोरी है गांव की छोरी वो भी गांव के छोरी है जिनसे वो खड़ी है लोग दारू पियावा है लोग दारू पियावा है के नाम है
लोगाइया का के है लोगाई तक कुआं लागे हूं ना कुएं लागे हैं हाँ। के नाम है मेरा पूनम जी भाई देख लो महिलाओं की बेबाक राय है जो महिलाएं यहाँ पर जी नमस्कार जी नमस्कार जी गांव में पंचायत चल रही थी दो तीन दिन तक लगातार हाँ जी बस सरपंच एक चुना गए मुकाबला गांव के रपीन लाग गए बचत हो जाए तो अब जो फैसला हुआ दो आदमियों का क्या सहमत है उस फैसले का उस दो आदमी फैसला सहमत नहीं है नहीं है सहमत नहीं कोई गांव की पंचायत नहीं बा तो उसने किसी पंचायत मानो फिर आप जो गांव की पंचायत दोनों एक बात बता मेरा जूता है हाँ। मेरा सिर पर मारेंगे तो पंचायत हो हुआ कोई पंचायत नहीं थी नहीं कोई पंचायत नहीं थी तो फिर जो सरपंच पद का उम्मीदवार नया लाओगे को उन तो दोया अलग उन दोया तो अलग नहीं आंदा उम्मीदवार तो साल भर तो बना बैठा है तैयार बैठा साल हाँ आगे उसकी किस्मत रही अच्छा ठीक है ना उम्मीदवार जो बना बैठा साल भरते ऐसा उम्मीदवार कौन है बताओ वो भी बता दो बिंदर पंडित है बिंदर पंडित है हाँ, उनसे अलग है मतलब हाँ उनसे अलग है तो उसको फार्म भरवाओगे आप हाँ भरवाएंगे उसका फार्म तो इन तसे मत नहीं दो जो उम्मीदवार बनाए हैं जो दो उम्मीदवार बनाए हैं ना हाँ, मैं तो उन तसे मत नहीं अपना भतीजा है भाई अच्छा अच्छा क्या नाम आपका सतवीर भाई सतवीर था भाई देख लो और कुछ और गाँव के राम राम जी राम राम के कुछ रहा कल मीटिंग चल रही थी माहौल जो था ना वो सही सलामत नहीं था अच्छा उसमें दो तीन ऐसे आदमी थे कि अल्लाह मचाने वाले और आपस में बहसबाजी करने अच्छा, वाले थे वो जो पंचायत थी पूरे गांव की थी या थोड़ा की थी पूरे गांव की 36 जात की पंचायत थी उसमें अच्छा फिर जो फैसला हुआ जो फैसला आया वो मंजूर नहीं है वो 36 बरादरी ने मंजूर 36 बरादरी ने मंजूर नहीं है तो क्यों नहीं है मंजूर उसका क्या कारण उसको मंजूर जो हमने अपना भतीजा उठा रखा है हाँ। जब हमने जोड़ी करके मांग ली 36 जात पे हाँ। तो जब भी वो सहमत नहीं हुए जो तीन खड़े हुए थे अच्छा। है तो हम उनसे नाराज थे नाराज मतलब वो फैसला मान्य नहीं है नहीं मान्य उम्मीदवार आओगा आओगा तीसरा भी चौथा भी कह भी उसको उम्मीदवार कह आ जाओ जी उससे हम नहीं डरते कह भी आ जाओ मैदान में मतलब कहना मतलब कि चुनाव होगा जी और एक से दो से ज्यादा होंगे भाई देख लो गांव वाले की स्पष्ट राय है स्पष्ट राय दे रहे हैं भाई युवा साथी हो रहे भाई सब क्या लगे जो पंचायत हुई थी पंचायत के बाद क्या देखो जी पंचायत का तो बात नहीं पंचायत जो 36 जात की हुई थी ना उसमें तो यह फैसला आता भी इलेक्शन होगा अच्छा पंचायत में तो फैसला ये होगा उठा था कि चुनाव होंगे अच्छा तो सर्व समिति के लिए तो हो चुके हैं मना और जो बाद में पंचायत हुई है ना जिसमें हम तो बुला नहीं रखे थे जो भी थे दो चार आदमी दस आदमी जिनने इकट्ठे करके बुला दिए उस फैसला तो हम तो राजी हाँ नहीं उनने जो अपना ठहराना था मतलब जो बाद में पंचायत हुई 36 बरादरी की नहीं नहीं वह 36 बरादरी की सिंगल पर्सन वह कुछ दो चार लोग थे जो समाज ने पढ़ना चाहो समाज ने तोड़ना चाहो है अच्छा बस नया उम्मीदवार आओगा नया को नहीं मारा तो पुराना है सब तो पुराना ही मारा है सब तो पुराना था रहा है हाँ मारा ही उठ रहा है सब तो पहले ये तो बस डंडे अपना उम्मीदवार लाओगे हाँ इस समय हम गाँव के पूर्व सरपंच केवल पंच की बैठक में पहुंच गया भाई और काफ़ी बुजुर्ग भी आते हैं गांव की भाई इलेक्शन को लेकर काफ़ी चर्चाएं होती हैं और हम उनसे बात भी कराएंगे क्योंकि वो भी एक प्रत्याशी की दौड़ में थे पहले भी गांव में सरपंच रहे हैं और अच्छा रुतबा है गांव में और पूरा गांव उनकी बात भी मानता है जो कल मीटिंग हुई थी पंचायत हुई थी उसकी प्रतिक्रिया इनसे जानेंगे जी नमस्कार जी नमस्कार सरपंच साहब पिछले दो दिन से गांव में मीटिंग चल रही है सरपंच पद को लेकर हाँ चल रही क्या वो जो पूरे गांव की मीटिंग थी या एक पानने की मीटिंग थी कैसे नहीं बिरादरी की चार हजार टाइम मीटिंग थी 36 बिरादरी की कोई मीटिंग नहीं 36 बिरादरी कोई मीटिंग कोई मीटिंग तो फिर इसमें दो फैसला कराया है गाँव में कहा गाँव ने फैसला कर दिया दो ही आदमी उम्मीदवार दो आदमी नहीं एक तंड एक का फैसला कराया गाँव ने तो भाई एक का फैसला कराया एक तो पहले हंड एक तो पहले हंड है तो पहले ही घूम रहा है और 36 बिरादरी की कोई मीटिंग नहीं बताते 36 बिरादरी की कोई मीटिंग तो ये जो चुनाव होगा तो चुनाव में क्या रह लगता है आपको बहुत सारे प्रत्याशी होंगे बहुत मतलब भगवान करा के करा किस कर राम सब में कोई ही बात अब आपका क्या विचार है जो मेरा क्या विचार मैं तो बताऊंगा तो ना मतलब 36 बिरादरी मन साए बीच में बैठा रह गया मतलब उड़ा तो बाजनिया कोई नहीं भाई तो मतलब ये वजह अगर 36 बिरादरी आप ननु कहो मैदान में उतरो तो हाँ। आने के लिए तैयार फिर तो आ जाओ 36 बिरादरी कब होगी तो मीटिंग हुई 36 बिरादरी की नहीं थी नहीं ठीक है तो ये बात गांव पे डिपेंड करता हाँ गांव का डिपेंड करा गांव करेगा जरा जी तो आ जाओ नहीं तो भाई मत अपनी उसमें उस कट्ठे होना था मत अपनी देर को बच जाए अच्छा मतलब
बेटिंग तो छत्तीस बरादरी की नहीं थी, नहीं थी नहीं। और फिर भी मतलब जो फैसला कर रखा है फैसला है गांव का। फैसला है तो एक आदमी का फैसला होया यो नहीं यो तो गांव तो ले बगड़ो मानस तो बतेरे थे सारे नहीं थे जाट भी सारे नहीं थे भाई उड़द उठ कर लकड़ी भी गए रौला भी हो लिया। के चाहो किसा सरपंच होना चाहिए गांव में आप भी पूरा सरपंच रहेंगे बहुत सारा फिर सरपंच तो थोड़ा ही दिखा है बढ़िया होना चाहिए घटिया क्यों तो किसा पहले होया उषा को जिसा इच्छा हो आप पहले बताऊं तो ना भाई मेरा मुंह तो नहीं ना कुआ मन तो थोड़ा कमल है मैं तो कमल कहूंगा उन्हें कमा कौन कहूँ तो उनसे कई लोग ना हाथ ला दिया लोग तो दोया का हाथ ला रहे कौन से ना कमल दोया का नहीं ला दोया की ना कुआ वो भाई दोया का लात को नो बमन सब पंडे है हाथ ला तो इसका ला जट्टा ने मारा लगा जट्टा ही है जट्टा तो मतलब आप ये कहने का मतलब है तो दो समुदाय का फैसला है कोई मतलब पूरे गाँव का समुदाय फैसला नहीं ना भाई समुदाय इसका गाँव का फैसला है यो तो गाँव के लोग थे मैं यो नहीं कहूँगा तो मतलब गांव के लोग थे लोग के छत्तीस जात नहीं थी भाई देख को गांव के पूर्व सरपंच ने अपनी प्रतिक्रिया दी है इस पर यो कहा कि वो छत्तीस बरादरी की मीटिंग ना होकर गांव की मीटिंग थी छत्तीस बरादरी उस मीटिंग में नहीं थी जाटा की मीटिंग भाई देख लो आप देख को पूरा गांव की वीडियो हम आपने दिखावांगे और लगातार सर्वे बने हुए हैं गांव की एक बेटी भी थी जिसने भी चुनाव लड़ने की यहां से बता जा रहा है कहा जी डेढ़ साल तक तैयारी करूँ थी मैं एक और लड़की मिली थी गांव हाँ तो वो हट गए जिनकी तो उसका क्या लगता आपको उसका कुछ नहीं था सारे उसका परिवार नाट्य था उसने उसका परिवार परिवार नाट्य था उन्हें सहमत नहीं था कती तो उसने गांव ही उसने बनाया दो हमने के भी रहा इस बात भाई देख लो भाई गांव तो उसके साथ था उसका परिवार मना कर रहा है और भाई गांव की और भी था नहीं गांव चाहे उसने बनाया दे उसका परिवार नाट लिया था गांव कड़ा होता ही भाई देख लो भाई परिवार ने मना कर दिया तो गांव नहीं होगा इनके द्वारा स्पष्ट बोला जा रहा है भाई जैसा कि पंचायती चुनाव का सर्वे कर रहे थे गांव दौड़ रहे तालाब का क्या नाम भाई साहब इस तालाब का लेंडारा नाम बताया भाई इस तालाब का अरे यार पानी पीने का तार रह रहे हैं बात करेंगे जो पंचायती फैसला होया उम्मीदवार को लेकर कैसा फैसला है भाई साहब नमस्कार नमस्कार ये जो फैसला होया है काले परसू होया है तो ये फैसला सही है ना जी फैसला के सही होता दो दड़े कर दिए गांव के गांव दो बैठ दिए हाँ। मतलब फैसला सही मतलब आपस में दुश्मनी होगी दुश्मनी बढ़ा दी हाँ। तो इवन और भी उम्मीदवार संभावना आने की ये वो के बताश कहाँ को उठेगा तो ये के बताश कहाँ अच्छा अच्छा किसी का जी तो दो दड़े बढ़ा दिए हाँ। तो ये पंचायत थी छत्तीस बरादरी की थी गांव में ना पंचायत छत्तीस बरादरी की एक बार हुई थी अच्छा फिर यह कल हुई अच्छा उस समय ब्राह्मणा ने जोड़ी कर ली थी अच्छा फिर ये उठ के चले गए एक जाट ने कर ली फिर अच्छा अच्छा ये सारे उठ के अच्छा और अपना अलग थलग हो गए अलग थलग हो गए तो हाँ। मतलब हाँ सही व्यवहारिक सी बात अच्छा फिर ब्राह्मण बोले भाई हम तो उठाएंगे अच्छा फिर जाट इकट्ठे हो गए अच्छा अके काम उठावांगे तो मतलब तो ये भी नहीं कह सकते ब्राह्मणा ने ये कही है कि नहीं कही है अच्छा अच्छा अगर भाई उठाएंगे कि ना उठाएंगे वो उठ के चले गए थे वो उठ के चले गए हाँ फिर जाट इकट्ठे हो गए देख लो भाई इन्हू कहे कोई वो फैसला नहीं है युवा साथी है जाट भी सब सब भाई साहब के भी होता लग गया इलेक्शन का ये बताओ तो ये कड़ा किसने बनाओगे गांव में सरकार किसकी बनाओगे कुछ नहीं बेरा जो फैसला है इसमें नहीं सहमत कोई सहमत नहीं भाई एक भाई और लाठी ले रहा है मैच ले रहा है दूर रहना पड़ेगा इससे भाई साहब नमस्कार नमस्कार ये भी होता लग गया इलेक्शन का वह हम तो भाग ही नहीं लिया करते बूटे नहीं गिरा दिख रहा था गिरता नहीं तो जी दबाव मतलब देखियो की ले रहा है नो बता इलेक्शन में जो फैसला होया है कल पंचायती उम्मीदवार बना दिए तो सहमत हो आप सहमत उन्हें मत जिताओगे हाँ मत जीता और जब और वो आ जाए तीसरा उम्मीदवार आ जाए तो तीसरे कौन गेरा कौन गेरा दोया मत गेरा किससे गेरा क्या नाम भाई सुरेंद्र भाई सुरेंद्र और इसी तरह की जानकारी के लिए आप जुड़े रहिए डीएन हरियाणा और वॉइस ऑफ जींद के साथ मैं दिनेश दुलानिया गाँव दौड़ से।